अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम आपको बताने लगे हैं मोटापे के लिए अच्छा सा फार्मूला। ये कि मोटापे के लिए ये फार्मूला बनाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे पहले तो हम हज़ल अर्क बनाते हैं, 10 मोल जिसे कहते हैं। 10 चीज़ें होती हैं और उसमें ये कि ख़ास एटमिक होती है। आपने टाटरी लेनी है, डली वाली, डली वाली टाटरी 100 ग्राम लेके उसमें 1 किलो पानी डाल देना है। रिएक्शन होगा, वो सब बलून से बनेंगे। उसके बाद उसको ये एक डाम पे रख दें, वो ये जब सारी वो मिक्स हो जाए उसको पुन के रख लें, ठीक है। वो 10 मूल अर्क में शामिल कर दें, ये आपका अर्क तैयार हो गया। सफूफ हम बनाते हैं, उसमें दाना लाख होता है, चूहा कनी होती है और उसमें बाथू होता है और उसमें पिपल की लाख होती है। और हम ये है कि कद्दू को जो आग दे के उसका रुब सा निकालते हैं वो बीच में शामिल करते हैं। और अमर बेर होती है, उसे जैसे कहते हैं अफ्तीमू। तो इंशाल्लाह ये सफूफ बनाते हैं हम। सफूफ ये है कि 100 ग्राम सफूफ आपने 10 दिन में ख़त्म करना होता है। 10 ग्राम की 1 दिन की खुराक है और ये सिर्फ 1 माह इस्तेमाल कराना है। कम से कम 15 से 20 किलो वज़न 1 माह में कम हो जाता है। और ये है कि जिनका सिर्फ फूला हुआ हो जिसम, जिनका हार्ड हो, ज़्यादा सख्त चर्बी हो, उनका 6 से 7 किलो वज़न कम होता है। बनाना और दुआ में याद रखना, हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना। अगर कोई ना बना सके तो ये हमारे पास बना भी होता है, अवेलेबल होता है। इंशाल्लाह ये पूरा सेट देते हैं हम महीने का, और 1 महीने में वाजिया फ़र्क आता है। नो ना बना सके वो हमसे मंगवा लें। हमारा दुआ खाना है समनाबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0300-965-5265। ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अगर पूरे परहेज़ के साथ मरीज़ दवाई खा लेगा और परहेज़ कर लेगा, उसका मोटापा फिर पूरी ज़िंदगी दोबारा नहीं बनेगा। ये चाहे चावल का, बेकरी का और तली हुई चीज़ों का और बोतल का परहेज होता है, इसमें ये परहेज करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम।